क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट रवीश रवीश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल रवीश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल ओके टू विनीत एट अ लॉस ऑफ 28% फुल स्टॉप देन विनीत स्पेंट रुपीज 1680 ऑन इट्स रिपेयर्स ठीक है एंड देखो उसने 1680 रिपेयर में खर्च करा है ध्यान दीजिएगा एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल एंड सोल्ड द मोटर साइकिल टू राहुल फॉर रुपीज 35,910 देयर बाय मेकिंग मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ओके व्हाट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल फॉर रवीश ओके बहुत आसान सवाल है ठीक है देखते हैं कौन पहले आंसर करता है अच्छा तो इस क्वेश्चन को समझो रवीश सोल्ड इज मोटरसाइकिल टू विनीत एट अ लॉस ऑफ 28% ओके ठीक है और फिर क्या करा उसने विनीत ने ठीक है दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड देन विनीत स्पेंड 1680 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट द मोटर टू राहुल फॉर रुपीज इतना तो कैसे करेंगे इसको रणवीर इज सेइंग आई हैव डाउट इन पेंटर क्वेश्चन अरे वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है बच्चों को ठीक है ओके सी बहुत ही आसान सवाल है सबसे पहले आप क्या लीजिएगा लेट अब रवीश ने बेचा ना सो लेट सी पी फॉर रवीश इज इक्वल टू एक्स रुपीज वही हमें फाइनली निकालना भी है ठीक है सी पी फॉर रवीश और फिर उसने विनीत को बेचा अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रवीश मैं एरो से दिखाता हूँ रवीश इसको सेल कर रहा है विनीत को ठीक है और एट अ लॉस ऑफ 28% यू शुड नो दिस दैट हाउ सी पी एंड एस पी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मैं एक छोटी सी वे टू सेंड एसेज टेलीग्राम अकाउंट में ठीक है पांडे जी पूछ रहे हैं कौस्तुभ पांडे यू हैव टू सेंड एसेज ठीक है इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज टेलीग्राम अकाउंट ओके ओके चलो तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए दैट हाउ एस पी एंड सी पी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सपोज कौस्तुभ पांडे एक स्टूडेंट है अगर कौस्तुभ पांडे मुझे कुछ चीज़ सेल करेगा फॉर एग्जाम्पल कौस्तुभ पांडे हैज़ परचेज्ड अ पेन कौस्तुभ पांडे ने एक पेन परचेज किया करा 10 रुपीज़ का तो वो कॉस्ट प्राइस है कौस्तुभ पांडे के लिए और कौस्तुभ पांडे अगर उसको मुझे 20 में बेचेगा सो दैट 20 विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर कौस्तुभ पांडे बट दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर मी बिकॉज आई हैव परचेज्ड फिर से कहूँगा अगर कौस्तुभ कोई पेन 10 रुपये में खरीदेगा ठीक है तो वो कौस्तुभ के लिए कॉस्ट प्राइस होगा कौस्तुभ ने उसे 20 रुपीज़ का सूरज सर को बेचा तो कौस्तुभ के लिए 20 रुपीज़ क्या है सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ क्या थे उसके लिए कॉस्ट प्राइस लेकिन सूरज सर के लिए जो वो 20 रुपीज़ हैं वो कॉस्ट प्राइस हैं और कौस्तुभ के लिए वही सेलिंग प्राइस थे ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए ना हाउ हाउ इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन उसी तरीके से जो सी पी है रवीश का एक्स और जो एस पी आएगा फॉर रवीश दैट विल बी नथिंग बट सी पी फॉर विनीत ओके तो यहाँ से हम एस पी निकाल सकते हैं ठीक है वी नो द फॉर्मूला ओके हमारे पास क्या फॉर्मूला है देयर फोर एस पी निकालते हैं एस पी फॉर रवीश आपको पता है ये एस पी इज़ अ फंक्शन ऑफ सी पी इन टू एज यू ऑल नो 28% का मतलब कितना है 72 ओके अपॉन 100 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन 100 ठीक है सो यहाँ से एस पी कितना जाएगा एस पी फॉर रवीश विल बी नथिंग बट 72
सी पी एक्स है, 72x/100 आ गया, ठीक है। अब नाउ दिस एस पी, दिस एस पी इज नथिंग बट सी पी फॉर विनीत, देयर फोर सी पी फॉर विनीत, कॉस्ट प्राइस फॉर विनीत इज नथिंग बट 72x/100 रुपीज़, क्योंकि इतना उसने पे किया है। नाउ वट ही डिड, वट विनीत डिड, ही स्पेंड 1680 ऑन इट्स रिपेयर ऑल्सो। तो वो विनीत ने खुद ही खर्च करे, वो उसकी सी पी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो रिपेयर में, नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ मैं, रिपेयर में कितना खर्चा आया है, रिपेयर में खर्चा आया है 1680 रुपीज़। देयर फोर, देयर फोर न्यू सी पी फॉर विनीत, ठीक है, विल बी कितनी थी, 72x/100 तो थी, प्लस उसमें 1680 रुपीज़ भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यू आर गेटिंग दिस, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि नाउ ओके, एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल, ओके, फॉर रुपीज 35910, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट। अब क्या कर रहा है विनीत, तो विनीत के केस में सीपी तो आ गया हमारे पास, ओके। अब ये क्या कर रहा है, ये अब विनीत किसको बेच रहा है, राहुल को, अब विनीत बेच रहा है राहुल को, ठीक है। तो विनीत के केस में हमें सीपी पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो विनीत राहुल को बेच रहा है, और राहुल को कितने में बेच रहा है, सोल्ड द मोटरसाइकिल फॉर रुपीज़ 35910। तो एसपी हमें पता है, एसपी फॉर विनीत है, हाँ, ये दैट विल बी कितना है, 35910, 35910 इज एसपी फॉर विनीत, ठीक है, ओके ओके। अब क्या कह रहा है आपसे, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। सो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी 12.5%, ओके ओके। तो फिर से यू विल यूज द सेम फॉर्मूला दैट एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी, एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी, 12.5% को आप ऐड करोगे 100 में, सो इट विल गोइंग टू कम 112.5, ठीक है। आप फ्रैक्शन हटा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके okay? और जब भी फ्रैक्शन में हो, इसको आप और इजी बनाने की कोशिश करो फ्रैक्शन को। 12.5 का मतलब होता है 25/2, तो उसको अगर आप 25/2 लिखोगे तो इट विल बी बेटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 100+25/2, फ्रैक्शन वाली चीज़ों को ऐसे ऐसे लेंगे तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है, ओके बस वैल्यूज पुट करो। एस पी कितना है, एस पी इज 35910 इज इक्वल टू सी पी कितना है, सी पी इज 72x/100 प्लस 1680, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में, ओके और ये कितना आ जाएगा, इन टू एल सी एम इज 2, सो दिस विल बी 225/2/100, ठीक है, अपॉन 100। तो दिस इज द कैलकुलेशन, ओके। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू कम 35910 इंटू 100, ओके, इज इक्वल टू इंटू 100, और इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करूँगा, अपॉन, ओके। सो दिस विल बी 225/, और 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, इज इक्वल टू 72x/100 प्लस 1680, ओके, वेरी इजी। 5 से इसको सिंप्लीफाई करो, ओके। टेल मी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट विल गोइंग टू कम, सॉल्व इट इन इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू कम 5, 20 टाइम्स 5, 4 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, ओके, देन 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, ओके, देन 35910, चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखो सॉल्व इट फास्ट, टेल मी द आंसर। नाइन से कैंसिल करो कितना आएगा, 9 3 ज़ा 9, इसको कैंसिल करो, 9 3 ज़ा 27 28 29 30 31 32 33 34 35 8, ओके, देन 89, सो 9 9 ज़ा 81, ओके, एंड देन 9 9 ज़ा 81, सो 3990 कट हो गया पूरा, ओके। तो ऊपर कितना बचा,
ऊपर बचा 3990 इंटू 4 to the 8 इज इक्वल टू 72x/100 प्लस 1680। ओके प्लीज चेक इट। ओके कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आप लोग भी चेक करते रहिए साइमल्टेनियसली। ओके इतना ठीक है। अच्छा 3990 × 8 लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? सेंड मी 8 0 से 8 9 से 72 का 2, फिर 8 9 से 72, फिर 7 9 8 3 ज़ा। ओके सो दिस विल गोइंग टू कम 31920 इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 72x/100 प्लस 1680 ना? यस 1680। सो 72x/100 इज इक्वल टू 31920 माइनस 1680 कितना आ रहा है? ओके सब्ट्रैक्ट करो 31920 माइनस 1680 कितना आएगा? 72x/100 इज इक्वल टू 30240। ओके सो अब यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। सो एक्स विल बी नथिंग बट 30240 इंटू 100/72। सो 72 कट रहा है इसमें, देखो कितने टाइम्स कट रहा है, 72। ओके आई थिंक 420 टाइम्स। ठीक है सो देयर फोर एक्स कितना आ जाएगा? एक्स विल बी इज इक्वल टू 42,000 रुपीज़। सो 42,000 एक्स 42,000 का मतलब है ये एक्स क्या है? दिस एक्स इज नथिंग बट सी पी फॉर रवीश, वही आपको निकालना है। ठीक है देयर फोर सी पी फॉर रवीश रुपीज़। ओके इसको चेक कर लेना आप कैलकुलेशन। 420, चलो ठीक है। ओके तो आई होप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। ओके तो आपने देखा ना किस तरीके से हम लोगों ने एक ही चीज़ यूज़ करी, दैट एस पी इज़ अ फंक्शन ऑफ सी पी। एक चीज़ आपको समझनी थी कि जो भी पैसा उसने जो रिपेयर में खर्च करा है, ओके द मनी विच ही स्पेंड ऑन रिपेयर वो विनीत ने खर्च करा है, तो विनीत की सी पी में ही तो ऐड होगा वो। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अ लिटिल कैलकुलेशन। ओके थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, बाकी इट्स वेरी इजी।